बहुत मजा। खा लो, सीधे से खाओ ना, ऐसा से खाओ, ऐसा से खाओ, ऐसा से। बहुत मजा है। बहुत मजा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं बारकली और आप देख रहे हैं टूर एंड टेस्ट। उम्मीद करता हूं कि अल्लाह के करम और फजल के साथ आप सब खैरियत से होंगे। तो टूर एंड टेस्ट में आज हम आप लोगों के लिए लेके एक मजेदार सी रेसिपी, आज हम बनाएंगे अरेबियन रेस्टोरेंट स्टाइल दुजाज कढ़ाई। तो आइए देखते हैं दुजाज कढ़ाई जो है वो किस तरह तैयार होगी और उसके लिए हमें किन किन अज़ा की ज़रूरत है। तो आइए इसे बनाना शुरू करते हैं। आग हमने जला ली है, सबसे पहले कढ़ाई को रखते हैं चूल्हे पे। बिस्मिल्लाह। सबसे पहले कढ़ाई में डाल लेंगे ऑयल, ऑयल में डाल लेंगे खड़े मसाले, थोड़े से लौंग, दालचीनी, मिर्च, बड़ी इलायची और छोटी इलायची, थोड़ा सा ज़ीरा। तमाम खड़े मसालों को थोड़ी देर के लिए भून लेंगे। खड़े मसालों को थोड़ी देर के लिए भून लिया और अभी इसमें डाल लेते हैं गोश्त। बिस्मिल्लाह। गोश्त डालने के बाद गोश्त को तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए भून लेंगे। गोश्त को तकरीबन 15 मिनट के लिए भून लिया और अभी इसमें शामिल कर लेते हैं अदरक और लहसुन का पेस्ट। अदरक और लहसुन का पेस्ट बना लेंगे, थोड़े से अदरक के हम स्लाइस बना लेंगे। अदरक के स्लाइस बना लेंगे। बाकी अदरक का पेस्ट बना लेंगे। और अभी अदरक और लहसुन के पेस्ट को थोड़ी देर के लिए भून लेंगे ताकि इसमें से महक जो है वो लहसुन की ख़त्म हो जाए। कूटा हुआ अदरक और लहसुन डालने के बाद अदरक और लहसुन को भी अच्छी तरह भून लिया और अभी इसमें शामिल कर लेंगे थोड़ा सा नमक। नमक डालने के बाद थोड़ा सा पानी शामिल कर लेंगे। पानी डालने के बाद एक दफ़ा हिलाएंगे। टमाटर काट लेंगे, टमाटर के हम दो दो पीस करके ही इसमें इस्तेमाल करेंगे। और अभी कढ़ाई में डाल लेंगे टमाटर। टमाटर हम उल्टे रखेंगे इसमें ताकि टमाटर का छिलका जो है वो नरम हो जाए और छिलका जो है वो उतार देंगे। कढ़ाई में टमाटर डालने के बाद ऊपर से डांप देंगे और हल्की सी आंच पे तकरीबन 15 मिनट इसको मज़ीद पकाएंगे ताकि टमाटर का छिलका जो है वो नरम हो जाए। जब तक टमाटर नरम होते हैं इतनी देर में हम धनिया जो है वो काट लेते हैं। हंडिया को डांप कर पकाते हुए 15 मिनट हो चुके हैं और अभी खोल के चेक करते हैं कि हमारे टमाटर जो है वो किस हद तक नरम हुए हैं। तो टमाटर माशाल्लाह नरम हो चुके हैं और अभी टमाटर का छिलका जो है वो उतार लेंगे। तमाम टमाटरों का छिलका जो है वो नरम हो चुका था अच्छी तरह और छिलका हमने उतार लिया।
टमाटर अच्छी तरह नरम हो चुके थे और एक दफ़ा हलाने से ही टमाटर जो है वो बीच में हल हो गए। अभी कढ़ाई में डाल लेंगे दूसरे मसाला जात, काली मिर्च, हल्दी पाउडर, और इस कढ़ाई में ज़्यादा मसाला जात जो है वो इस्तेमाल नहीं होते। और अभी हल्दी और काली मिर्च डालने के बाद इसको मज़ीद थोड़ी देर के लिए भून लेंगे। काली मिर्च और हल्दी डालने के बाद थोड़ी देर के लिए भून लिया और अभी इसमें डाल लेंगे सब्ज़ मिर्च काट लेंगे और सब्ज़ मिर्च को बारीक बारीक काटेंगे। सब्ज़ मिर्च डालने के बाद अभी इसमें डाल लेंगे दही। बिस्मिल्लाह। दही डालने के बाद थोड़ी देर के लिए मज़ीद भून लेंगे। तो माशाल्लाह हमारी अरेबियन रेस्टोरेंट स्टाइल दुजाज कढ़ाई जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त तैयार हो गई है और खुशबू भी बहुत ही मज़े की आ रही है और इस पर कलर जो है वो भी बहुत ही ज़बरदस्त आया। और अभी हम इसमें शामिल कर लेंगे थोड़ा सा सब्ज़ धनिया और अदरक। सब्ज़ धनिया डाल लेंगे, अदरक के स्लाइस डाल लेंगे, कढ़ाई को ऊपर से डांप लेंगे और कढ़ाई को चूल्हे से नीचे उतार लेंगे। तो माशाल्लाह ये हमारी अरेबियन रेस्टोरेंट स्टाइल दुजाज कढ़ाई जो है बहुत ही ज़बरदस्त से आ रही। आप भी इस रेसिपी को घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपसे ये रेसिपी कैसी तैयार हुई और इसका जायका कैसा रहा। और अभी हम आपको दुजाज कढ़ाई जो है वो डिश आउट करके दिखाते हैं। बिस्मिल्लाह। प्लेट को भी थोड़ा सा डेकोर कर लेंगे। तो माशाल्लाह हमारी दुजाज कढ़ाई जो है बहुत ही ज़बरदस्त तैयार हुई है। अभी हम अब्बू जान से कहेंगे कि वो आपको टेस्ट करके बताएं कि हमारी आज की कढ़ाई जो है वो कैसी तैयार हुई। हाँ जी अब जी, कढ़ाई कैसी तैयार हुई? माशाल्लाह बहुत ही बेहतरीन। तो माशाल्लाह ये हमारी अरेबिक रेस्टोरेंट स्टाइल दुजाज कढ़ाई जो है बहुत ही ज़बरदस्त तैयार हुई, आपको टेस्ट करके बताया। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आएगी। और जो दोस्त हमारे चैनल पे नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दीजिएगा ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक फौरन पहुँच जाए। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अपने बुजुर्गों का ख्याल रखिएगा और इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त। सदा खुश रहें। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।